अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। लाहौर का वेदर जो है सुबह से बहुत ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है। आप ये व्यू चेक करें बाइक का। मैं निकला हूँ जी लॉन्ग ड्राइव पे। मुझे जो है बारिश में ड्राइव करने का और जो है एंजॉय करने का बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों का जो है कैसा आज का दिन होगा, क्या प्लान होगा मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। अभी तक मैंने नाश्ता किया था, नाश्ता करके अभी मैं निकला हुआ हूँ जी लॉन्ग ड्राइव पे। अब ये देखिए, अभी मैं गुजर रहा हूँ जी, ये लिखा हुआ है जी माल रोड आ गया है और ये गौसे आज़म अंडर पास है। माशाल्लाह जी, अल्लाह की रहमत है जी, दो दिन से लाहौर का वेदर बहुत अच्छा हुआ है। बल्कि ईद से, बकरा ईद से जो है लाहौर का वेदर अच्छा हुआ था। तो देखिएगा बाइक का व्यू, ये अभी मैं गुजर रहा हूँ जी माल रोड से। माल रोड का जो है ये अंडरपास है। माल रोड से जो है दो रास्ते निकलते हैं, एक तो फोर्ट्रेस की तरफ और दूसरा ये है पीसी होटल की तरफ। पीसी होटल से अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे आ जाएगा चमन हॉस्पिटल, जीपीओ वगैरह, और जो है मेरी लेफ्ट साइड से मुड़ेंगे माल रोड से तो आ जाएगा जी फोटो स्टेडियम। आप देख सकते हैं जी लाहौर में दोनों रोड्स के साइड पे कितने ज़्यादा ट्रीज हैं, कितनी ज़्यादा हरियाली है, ग्रीनरी है। तो लाहौर को जो है कहते हैं जी बागों का शहर। और जो है लाहौर में एक खूबसूरत जो कैनाल जो सड़क को सेंटर से जो है गुजर रही है, बहुत ज़बरदस्त दिलकश मंजर देता है। अभी ये गुजरा जी जे रोड का अंडरपास। अगर मैं अंडरपास के नीचे से जाता तो एफ सी कॉलेज आ जाना था। तो अभी मैं ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट टर्न करूँगा तो जो आ जाएगा जी गुलबर्ग, और जो है अगर मैं यू टर्न वापस लेके आऊँगा तो आगे जिलानी पार्क, रेस कोर्स, और जो आप उसको कह सकते हैं जी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल। ये देखिए ये रोड सीधा जा रही है जी, जे रोड कहलाती है ये रोड। तो ये रोड जो है अभी मैं सीधा जा रहा हूँ जी गुलबर्ग की तरफ, लेकिन मैं गुलबर्ग नहीं जाऊँगा, मैं इधर टर्न कर रहा हूँ वापस जो है जिलानी पार्क वाली साइड पे, जो रास्ते में कार्डियोलॉजी भी हॉस्पिटल आ रहा है और साथ ही जो है वो आ रहा है सर्विसेज हॉस्पिटल। ये देखिए लिखा हुआ है जी माल रोड राइट साइड पे, जिम खाना भी राइट साइड लेफ्ट साइड पे है मेरे। और जो है मैं अभी यू टर्न ले रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये गाड़ियाँ ज़्यादातर यू टर्न ले रही हैं। जो स्टेट जा रहे हैं ना, जो यहाँ से स्टेट जा रहा है वो जा रहा है जी गुलबर्ग वाली साइड पे। सीधा स्टेट जाएंगे तो शेरपा ब्रिज भी आ जाएगा, लेकिन मैं यू टर्न ले रहा हूँ।
अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल रेंज व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो ये साइड पे बेल का बटन है इसको भी हल्का सा पुश कर दें ताकि मेरी न्यू से न्यू और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपना साथी का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबी मुकद्दर हो आपका। पाक फौज जिंदाबाद, ग्रेटर पाकिस्तान इंशाल्लाह। आज जो है 14 जुलाई थर्सडे है, थर्सडे को बारिश स्टार्ट हुई है। पहले जी एक मशहूर है कहते थे जी जुमेरात की जड़ी, जुमेरात को बारिश हो तो पूरा हफ्ता चलती थी। अब देखते हैं जी ये बारिश कितने दिन चलती है। जी नाज़रीन आपने देखा जी कितना ज़बरदस्त मैदान हुआ है। अभी मैं गुजर रहा हूँ जी, मेरे राइट साइड पे जो है जिलानी पार्क है, ये है जी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, उसके साथ ही है जी सर्विसेज हॉस्पिटल। ये रोड सीधा निकलेगी जी मजंग, जी हाँ ये मजंग आबिद मार्केट की तरफ निकलेगी। वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और साथ ही जो है होंडा फोर्ड वाले का शोरूम है जहाँ से मैंने गाड़ी निकलवाई थी। अभी मैं ये गुजर रहा हूँ जी शादमान मार्केट के पास है। आप ये अभी मॉस्क देखेंगे मेरे जो है राइट साइड पे, शादमान की ये मॉस्क है मशहूर है यहाँ पे, और जो है मेरे लेफ्ट साइड पे जो है शादमान मार्केट है, और जो है मेरे अभी मैं राइट टर्न कर रहा हूँ, यहाँ से जो है सीधा जाऊँगा तो माल रोड आ जाएगा, लेकिन मैंने वापस टर्न करना है नहर की तरफ। तो अभी आपको जो है यहाँ से टर्न करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो लिखा हुआ जी शादमान, वो शादमान मार्केट है। ये करतबा चौक, किनाल बैंक रोड, जिलानी पार्क जो है फुआरा चौक। अभी मुझे लेफ्ट टर्न करूंगा। ये है जी मस्जिद, जी आपने देखा जी बारिश में ड्राइव करने का अलग ही मजा। आप ये देख सकते हैं जी पानी कैसे उछल रहा है यहाँ से, वाओ क्या सीन है भाई। मैं तकरीबन उठा हूँ जी 12 बजे, तो मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के फौरन बाद मैं निकल पड़ा हूँ जी इधर लॉन्ग ड्राइव में। ये देख सकते हैं आप, ये है जी जिलानी पार्क जिसका नाम, ये है जी जिलानी पार्क जिसका पुराना नाम था जी रेस कोर्स, ये देख सकते हैं। और ये कॉर्नर वाला आ गया जी मैकडोनल्ड, जहाँ पे एक ज़माना होता था, मैं इधर बहुत आके जो है खाता था। और जो ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं जी KFC है, ये है जी मैकडोनल्ड। इधर ओपीटी वाले, सबवे वाले, टिमी पिज़्ज़ा वाले भी हैं। ये रोड जो आप सीधा जा रहे हो ना, ये आ जाएगा जी गुलबर्ग। ये देखिए ये है जी किनार रोड जो के बॉर्डर तक जल्लो तक जाती है।
अभी जो आने लगे, अभी जो आएगी रोड जो है ना, ये है जी जफर अली रोड। यहाँ पर जो है लाहौर जिम खाना भी है, और साथ ही आपको दिखाऊंगा जी ये भी रोड टर्न कर रही है। देखें लेफ्ट साइड पे ये जो लिवडाफी ग्रुप लिखा हुआ है ना, ये बिल्डिंग के साथ जो रोड जा रही है, ये है जी जफर अली रोड, जहाँ पर जो है माल रोड भी यहीं से निकलेगा, लाहौर जिम खाना क्लब भी यहीं से निकलेगा। और जो अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ जी कैंट की तरफ एंटर होगा, सामने जो है स्ट्रेट शेरपा ब्रिज जाएगा। शेरपा ब्रिज से जो है पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो है गुलबर्ग की तरफ जो है ये टर्न करेगा, लेकिन हमने गुलबर्ग नहीं जाना, हमने ये कैंट के से गुजरना है। मेरा मकसद है कि मैं आपको दिखाऊं जी लाहौर कितना खूबसूरत है, कितनी ग्रीनरी है, हर जगह हरियाली हरियाली, सब्जा दरख्त लगे हुए हैं। अभी ये देखें, ये आ गया जी ब्राउन एंड ग्रीन शीशों वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है जी सिद्दीक ट्रेड सेंटर। ये शॉपिंग मॉल है, इसे बोलते हैं जी सिद्दीक ट्रेड सेंटर। और ये पुल देखें, वो कैंट की तरफ जा रहा है, और ये रास्ता निकल रहा है जी, ये देखें ये जा रहा है जी गुलबर्ग की तरफ, लिखा हुआ है जी स्ट्रेट हम लोग जाएंगे और ये लेफ्ट टर्न करेंगे तो कलमा चौक आ जाएगा, कैंट आ जाएगा स्ट्रेट में, और जो लेफ्ट अगर मुड़ता है वहाँ पे गुलबर्ग आना था, वहाँ पे हफीज सेंटर आना था, मोबाइल मार्केट जो है, और हफीज सेंटर के से थोड़ा आगे जाता तो लिबर्टी राउंड अबाउट लिबर्टी मार्केट आ जानी थी, तो लेकिन मैं अभी एंटर हो रहा हूँ कैंट में। ये आप देख सकते हैं जी लिखा हुआ है जी लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड। अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं जी कैंट में, इधर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं जी ब्रिज। जी हाँ, आपको बताते हैं जो इस पुल का नाम है जी शेरपा ब्रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी बहुत पानी ये शेरपा ब्रिज में खड़ा हुआ है। कहते हैं जी मशहूर कहावत है, जिन्हें लोड नहीं बैठे जमया नहीं, तो आप लोगों को लोड दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझे कि अगर आप लाहौर नहीं आए हुए कभी, या बाहर से जो है फॉरेनर मेरी वीडियो देख रहे हैं जो दूसरे कंट्री से, तो वो लोग देख सकते हैं जी लाहौर हमारा खूबसूरत लाहौर। मेरा प्यारा लाहौर, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तानियों, ये डायलॉग किसका है आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है। और जो है इया का नाम दो इया का नस्ताइन किसका डायलॉग है मुझे कमेंट्स करके बताना है।